नगर निगम के चुनाव हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? कांग्रेस पीछे हट गई है सिंबल पर चुनाव लड़ने से। हाँ, 5 शहरों में हमारे कॉरपोरेशन के चुनाव हैं और हिसार का मैं प्रभारी हूँ, प्रभारी मंत्री हूँ। तो हम गए थे वहाँ, तो काफ़ी जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफ़ी जोश है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम कॉरपोरेशन के पांचों के पांचों कॉरपोरेशन चुनाव बड़ी बहुमत से जीतेंगे। और बाकी जो आप कह रहे हो कि भाई दूसरी जो पार्टियां सिंबल पर लड़ने के लिए कह रहे थे और अब उन्होंने पैर पीछे खींच लिए, तो उनको अपनी हकीकत का पता चल गया। और सिंबल पर अगर वो लड़ते और उनकी हार होती तो अपनी बेइज्जती से बचने के लिए उन्होंने अपना वापस कदम उठाया, कहीं ना कहीं हार स्वीकार कर ली एक तरह से। हाँ, एक तरह से हार ही स्वीकार कर ली। अगर सिंबल पर लड़ते तो ये होता कि भाई ये पार्टी हार गई, अब तो ये ठीक है भाई किसी पे भी हाथ रख देंगे। 5 राज्यों में चुनाव भी होने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से सरकार बनाए। पहले लोग कहते थे कि राजस्थान में एक पैटर्न है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार लोगों में काफ़ी जोश है और भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर सरकार बनने जा रही है और ये इतिहास दोहराया गया। चर्चा गर्म है कि हरियाणा विधानसभा और लोकसभा एक साथ हो सकते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर रहेगी? इस बारे में तो पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगी उसमें तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। महेंद्रगढ़ में कल एक आप पार्टी रैली करने जा रही है, तो कहीं ये हरियाणा में पैर जमाने की कोशिश मानी जा सकती है आप पार्टी की? नहीं, ये बात तो ठीक है कि भाई हरियाणा में पैर फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।